आज विलक्षण महापर्व का अंतिम दिवस है। उत्तम ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार कहा है। ब्रह्मचर्य कैसा शब्द है? ये ब्रह्मचर्य के नाम पर लोगों को बहुत गलत धारणाएं बनी रहती हैं और जगत में जो ब्रह्मचर्य का सामान अर्थ है सार ही नहीं करना। बस बहुत सारे लोग तो शादी नहीं करना, स्त्री का नहीं होना, बस ब्रह्मचर्य पर हो जाता है और बाकी 4 इंद्रियों के जो के त्यों चलता रहता है, खूब बढ़िया लग्जरी जिंदगी जीते रहते हैं। बाकी 4 इंद्रियों के सबसे वे चलते हैं, बस एक स्त्री नहीं रखी, वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। दुनिया में अन्य मतियों को तो लगता कुछ कहना नहीं, लेकिन जैन दर्शन का ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द में सीधा सीधा लिखा हुआ है, ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने उसमें रमना जमना, उसमें अपनापन करना सम्यक दर्शन पूर्वक, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसलिए जैन दर्शन का जो ब्रह्मचर्य है वो असली ब्रह्मचर्य सादगी प्रतिमा में प्रकट होता है, उसके पहले वास्तविक ब्रह्मचर्य पर प्रकट नहीं होता। इसके लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी का जीवन देखना चाहिए। उनका जीवन अत्यंत निर्मल था, बाल ब्रह्मचारी थे, पहले तो साधु थे और बाद में दिगंबर धर्म स्वीकार किया और वहां पर कहा कि आप तो ब्रह्मचर्य लगाओ, तो बोले असली ब्रह्मचर्य तो सातवीं प्रतिमा में होता है और अभी प्रतिमा के योग, सातवीं प्रतिमा के योग हमारे परिणाम नहीं दिखाई देते, वैसी आत्मस्थिरता दिखाई नहीं देती, इसलिए अभी हमारे ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है और हम अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी नहीं लगा सकते। इतनी ईमानदारी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ कहीं मिल जाए तो बताना। और गुरुदेव जैसा पवित्र जीवन शायद ही किसी को आपको देने के मिले उस भूमिका में। तो भी उन्होंने कभी अपने जीवन में मान आदि के पोषण के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी अनैतिकता नहीं अपनाई, कभी भी छल कपट नहीं किया। जो जैसा था बिल्कुल वैसे ही स्वीकार किया, भाई ऐसा स्वरूप है और है तो है। जब लोग आपके संग का करेंगे कि काय का करें, जो ईमानदारी है जो है, तो ब्रह्मचर्य के स्वरूप में आप लोगों को जिनको ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझना हो, 10 धर्मों के लिए मैंने 10 लक्षण पुस्तक बताई थी डॉक्टर साहब की, उसका आप जरूर स्वाध्याय करना। देखो भाई जब मंदिर आई गए हो और स्वाध्याय में बैठी गए हो तो कम से कम अब इतना निर्णय तो करके जाना, ये जो 10 धर्मों की मैंने पूजन भक्ति करी है और अगले साल मुझे 10 लक्षण बनाने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आयु कर्म पूरा हो गया, कोई असाध्य रोग हो गया तो ये बहुत तो चला जाएगा। इसलिए ये अवसर इस 10 लक्षण में चूकना नहीं। 10 लक्षण के बारे में देखो, ये जो अपन विधान वगैरह पढ़ते हैं इनमें जो चर्चा आती है वो बाहर से आती है और पद्यात्मक होती है, अपन उतना से निकाल नहीं पाते और चूंकि उसमें पढ़ने की जल्दी रहती है तो अर्थ लगाने बैठेंगे तो आगे के तो आगे चढ़ा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वहां तो जो होता है जो है। लेकिन आपको 10 लक्षण की पुस्तक मंगाना डॉक्टर भारल जी की और उसमें आगम से तर्क से युक्ति से बहुत अच्छा व्यवस्थित 10 धर्मों का वर्णन है, तो आपको हमेशा जीवन भर के लिए 10 धर्मों के बारे में सच्चा ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमना, तो जब तक उस आत्मा में अपनापन नहीं होगा तब तक रमेगा कैसे। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक ही सच्चा ब्रह्मचर्य होता है बराबर, और सम्यक दर्शन पूर्वक और पंचम स्थान वृद्धि की भूमिका तैयार होती है।
जब आत्मानुभव हर 15 दिन के अंदर अंदर घटित होने लगे तो अपने आप ही पंच इंद्रिय के विषय भोग नीरस हो जाते हैं और वो क्रम से दर्शन प्रतिमा प्रतिमा सामायिक प्रतिमा पुरुषक प्रतिमा उनका जन्म होता चला जाता है, आराधना बढ़ती चली जाती है और एक वैज्ञानिक ढंग से बिल्कुल व्यवस्थित जितना जितना स्वरूप में रमना होता है, जितना जितना अतिंद्रिय आनंद बढ़ता है उतने उतने बाहर में वृष्टि संज्ञा आते चले जाते हैं। लेकिन वर्तमान में लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है और बस कपड़े बदल लिए, सिर बना लिया और स्त्री का त्याग कर दिया और हो गए ब्रह्मचारी और बाकी के कोई भी इंद्रियों के संयोग कोई कंट्रोल नहीं है। गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं जो बिल्कुल समझ लो उस ब्रह्मचर्य में योग ही नहीं है वो भोजन करना, क्योंकि सबके निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। आप लोग तो खिलाओगे क्योंकि आपके तो भाव रहते हैं, लेकिन ये श्रावकों का भी कर्तव्य है। श्रावकों को जानकारी कम है ना, तो श्रावकों को तो क्या है कि राग आता है क्या बढ़िया से बढ़िया खिला दे, लेकिन वास्तव में आराधकों को बढ़िया से बढ़िया नहीं खिलाया जाता है। जो उनकी आराधना में बाधा ना बने, जो उनके कोई रोग का कारण ना बने, ऐसा शुद्ध सात्विक नीरस भोजन आराधकों को खिलाना चाहिए। लेकिन अपन तो ब्रह्मचारी त्यागी पीते को ड्राई फ्रूट की खीर बना बना के खिलाते हैं, अपन तो बादाम का दूध पिलाते हैं। समझ में, अब ये जाने में ना कि इनको इतनी ऐसे भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको बाहर में कोई मेहनत थोड़ी करनी है, कोई कन थोड़ी पत्थर थोड़ी छोड़ने हैं, उन्हें तो बहुत ऐसा भोजन चाहिए जो बर्बादी ना बने, गरिष्ठ ना हो, पेट खराब नहीं करे, समझ में आया, अपच ना हो, कब्ज की बीमारी ना हो जाए, वरना आराधना बंद। तो आप तो करते हो सेवा भाव, मुनिराजों तक कोई गृहस्थों को ज्ञान नहीं है तो मुनिराजों को भी ऐसा भोजन के क्या करें। अरे हम अपनी दशा देखते हैं कि हम ही कहते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, भैया मान जाओ, लेकिन नहीं पंडित जी लो लो। अरे इतना तो विचार होना चाहिए कि संगीत पंचेंद्री है और ये मनोहर क्या करना, अच्छे प्रेम से खिलाओ पंडित जी, जो आपको जैसा लगे आपका घर है, आप जो मांगोगे वो देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको दाल रोटी पसंद, दाल रोटी आपने हलवा नहीं खिलाना है पंडित जी, पंडित जी को बादाम नहीं खिलानी, पंडित जी को भारी भरकम भोजन नहीं कराना है। अरे को बताओ, जो भोजन तो हमें कराते हो वो भोजन खुद करते हो, और अगर वैसा भोजन तुम्हें रोज करा दे तुम्हारा क्या होगा। लेकिन अपन का भाव रहता है, लेकिन भाव का आधार धर्म है। आप मेरे प्रति जो प्रेम से भरे हो, आप जो मेरे प्रति वात्सल्य से भरे हो, तो उसका आधार धर्म है ना, वेद ज्ञान है ना, तत्व चर्चा है ना। आपको पता है ना कि पंडित जी आत्मा की चर्चा सुनाते बहुत बढ़िया, अगर मैं ऐसी बोली बोली होता जाता पंडित जी बने बिना पैंट शर्ट पहन के आ जाता आपके घर में, कहता मैं जैन हूँ साहब दिल्ली से आया, भोजन मिले गए भाई वहां चला जा, वहां एक गर्म जाला वहां मिलता है, ले ला 90 रुपए की थाली मिलती है। समझे, आपका आधार क्या है वो धर्म, तो धर्म जब आधार हो तो धर्मात्मा के प्रति ऐसा भाव रहे कि इनकी आराधना बढ़िया से बढ़िया हो, हमारे अनुग्रह हमारे आग्रह। और हम तो चलो सामान्य ग्रस्त है तो इतना वो नहीं है, लेकिन मुनिराज है जो त्यागी प्रति ब्रह्मचारी है, उनके भोजन का ध्यान तो बिल्कुल श्रावकों को ऐसा रखना कि बिल्कुल भी उनके प्रतिकूल भोजन नहीं देना। समझ में आया, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो तो महिलाओं को उनके प्रति मर्यादा रखना, उनके निकट होके ऐसा वो ब्रह्मचारी जाने नहीं, नहीं अपने भी नियम है, अपनी भी मर्यादा है,
वे तो जाने जाने अपन कोई जब पता चल गया ब्रह्मचारी है, उनका ब्रह्मचर्य व्रत है, उनसे दूर रहना, उनके एकदम सामने नहीं पड़ना, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करना, समझ में आया। और ये सब श्रावकों के कर्तव्य है, गृहस्थों के कर्तव्य है, और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उसका तो पूर्ण रूप से कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहे, आत्माराधना करे, गृहस्थों से ज्यादा संपर्क मेल मिलाप, ज्यादा फोन पे बातचीत, ज्यादा क्या कहते हैं पारिवारिक संबंध उसे नहीं बनाने चाहिए। आजकल ये फोन आने से कितने ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति ये फोनों में लगे रहते हैं, समझ में आया, लगे रहते हैं फोन में, ब्रह्मचारी नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख रहे हैं और वे पूरे जमाने का वीडियो बनाते फिर रहे, रील डालते फिर रहे, ये करते करते ब्रह्मचारी हुआ कहाँ, आएगा ब्रह्मचारी। जे जे खाली स्त्री का त्याग कर दिया, अरे भाई जे तुम जो है चक्षु इंद्री के विषय भोग में तो पूरे लगे हुए, उपयोग खाली एक स्त्री के कारण बर्बाद थोड़ी होता है, उपयोग तो सब में बर्बाद होता है। और कभी कभी तो कोई आदमी घर गृहस्थी में रहे, शादी विवाह करके सामान रहे और वो आत्माराधना करे, वो जितना डिस्टर्ब नहीं होता, वो जितनी शांति, उससे ज्यादा कि ब्रह्मचारी व्रत तो ले लिया और आश्रम बनाने लग गए, समाज की नेतागिरी करने लग गए, मंदिर बनाने का विकल्प कर रहे, इन कामों में लग गए, तो वो तो सामान्य गृहस्थ से ज्यादा संकल्प विकल्प होते हैं उसके। आत्माराधना तो एक तरफ रखी रह जाती है। भाई हमारे यहाँ पर ये जो ब्रह्मचर्य साधनी प्रतिमा में कहा तो क्यों कहा, ऐसे ही नहीं कह दिया है, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से उस बात को रखा गया है। हमारे यहाँ पर सर्वज्ञ का शासन है, हमारे यहाँ सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ देव है, कोई अल्प ज्ञानी नहीं है। हमारे जो भगवान है उनको एक एक पदार्थ का एक एक प्रणमन समझ में आया, कौन सी भूमिका में जीव को कैसे भाव आएंगे, कौन सी उसकी क्रिया बनेगी, कौन सी क्रिया नहीं बनेगी, कितना राग आएगा कितना राग नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर का थर्मामीटर होता है और वो बुखार को उसने चेक किया तो 101 है, 102 है, 103 है, 100 है कि नहीं, सब लगता है ना बराबर। ऐसे जैन दर्शन में एक एक गुण स्थान एक एक जीव की प्रणति को चेक करने का उपाय है। आया समझ में, ये जो 14 गुण स्थान है, ये गुण स्थान की परिभाषा क्या है, क्या है, मोह और योग के निमित्त से जीव के होने वाले परिणामों की तारतम्यता को चेक करना बताने वाला गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान में ब्रह्मचर्य व्रत ले ले तो क्या हो जाए कि भैया चौथे गुण स्थान में वो भाव दशा बनती नहीं है जो ब्रह्मचर्य के लिए चाहिए, वो जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, जबरदस्ती नहीं ओढ़ा जा सकता, स्वरूप है, हम क्या कर सकते, सिस्टम है ऐसा। चौथा गुण स्थान है ऐसा, हमें निर्वृत्ति का राग है, ऐसा तो अच्छी बात है, निर्वृत्ति है तो जाके कहीं आश्रम आदि निर्वृत्ति लेके रहो, आराधना करो, लेकिन जब उस स्वरूप में रमना नहीं है, उतनी स्वरूप की स्थिरता नहीं है, अत्यंत कसायती मंदता होना अलग बात है और कसाय का अभाव होना अलग बात है, तो निर्वृत्ति से रहो, ऐसा मुझे शादी करने का बहुत अच्छी बात, काया का ब्रह्मचर्य है तुम्हारा, स्वभाव है, अपनी आराधना करो, लेकिन उस काया के ब्रह्मचारी से अपने को असली ब्रह्मचारी मान लेना और समाज के सामने ब्रह्मचारी बन के पूजना, वो सम्मान ग्रहण करना, ये तो भाई साहब इसके मिथ्या का नाश ही नहीं होगा कभी, ये सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं, ये सम्यक दर्शन में बाधक हो गया,
समझे क्यों? सम्यक दर्शन में वो हर चीज बाधक है जो छल कपट से भरी हुई है, जिसमें सहजता नहीं है, जिसमें ईमानदारी नहीं है। समझ लो अच्छे से बात। ये अन्याय अनीति अवक्ष का सुना ना, अन्याय नीति, अब ये सब अन्याय है, ये सब अनीति है कि तुम ब्रह्मचारी हो नहीं, तुम्हें ये अंदर पता है और तुम सारे जगत के सामने ब्रह्मचारी बने बन के घूमते हो और उसे पूरे विचारों से सामान्य ग्रस्तों से सम्मान लेते हो, पैर छुड़ाते हो, आशीर्वाद देते हो और तुम्हारे नाम के आगे गलती से कोई पंडित लिख दे और ब्रह्मचारी नहीं लिखे तो लड़ाई झगड़ा करते हो और पूछो कि तुम हो ब्रह्मचारी है सातवीं प्रतिमा, छह प्रतिमाओं का पालन करते हो? नहीं, नहीं बोले हम वो वाले नहीं है, वो भी हम प्रतिमा वाले तो भर को कौन देते, दो ब्रह्मचारी है कहाँ है तक जो तुमने बना ली। कुछ बोलो तो अब ये थोड़ी खतरनाक बातें हैं, ये करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, क्योंकि जीवों को अज्ञान बहुत है, कुछ खबर नहीं है। अरे भाई हमसे लोग कहते आपने को इतना धर्म पता है, आप त्यागी वृत्ति क्यों नहीं बने? अरे भाई पता होने से थोड़ी त्यागी वृत्ति बनते हैं, शास्त्र पढ़ने से थोड़ी कोई ब्रह्मचारी बन जाते हैं। समझ में? उस जाति की कसाय का अभाव तो हो, कसाय को दबाकर धर्मात्मा दिखना जैन धर्म नहीं है। मायाचारी है, कसाय के अभाव में जैसी दशा हो वैसी प्रकट होना धर्म है। कसाय दवा दवा के कब तक धर्मात्मा बने रहोगे? अंदर जो कसाय पड़ी है तो पड़ी है, तो दिखती है। कसाय की मंदता धर्म नहीं है, कोई जीव सीधा है, सरल है, ज्यादा कसाय नहीं है तो साहब वो धर्मात्मा नहीं, जैन दर्शन नहीं मानता। वो तो ये मानता है कि भाई इसकी कोई पूर्व जन्म का उदय बंद है, कसाय बंद है, लेसिया कमजोर है, इसलिए इसकी वैसा है। इस नाना प्रकार के वो भाव है, किसी की कसाय तीव्र होती है, किसी की मंद होती है, लेकिन मंदता और कसाय की तीव्रता ये जैन दर्शन में धर्म का आधार नहीं है। तो अपने को ब्रह्मचर्य के बारे में मर्यादा रखनी, उसका स्वरूप समझना, त्यागी वृत्तियों को कभी आहार आदि भोजन आदि कराओ तो बहुत समता पूर्वक और निर्दोष और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, आलस नहीं आए, विषयों का पोषण नहीं हो, रसना इंद्रिय का पोषण नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बराबर।